दोस्तों जितने भी नए क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपना चैनल अंडर रिव्यू में भेजा था और वहां से रिप्लाई आता है कि आपका चैनल अप्रूव नहीं हो पाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। जो कुछ कारण है उसका बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बहुत ही दिक्कत देने वाला है। जितने भी नए क्रिएटर्स हैं वो सारी ये गलतियाँ कर रहे हैं, उनका चैनल अप्रूव होगा ही नहीं। वो दो मेन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उनका चैनल अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट है YouTube ने ऑफिशियल अभी लॉन्च नहीं किया है, अभी बताया नहीं है, लेकिन न्यूज़ में सुनने को आ रहा था और ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना चैनल भेजा था अंडर रिव्यू के लिए, उनका रिप्लाई आता है कि आपका चैनल अप्रूव नहीं हो पाएगा। पहला जो कारण है अप्रूव ना होने की वजह से वो ये है कि वो मिसलीडिंग थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, मतलब वीडियो में कोई और चीज़ है, थंबनेल में कुछ और है, व्यूज़ पाने के लिए वो मिसलीडिंग थंबनेल यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे जो चैनल हैं जिनका 4 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन है सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनका चैनल भी बंद किया जा रहा है और कारण है मिसलीडिंग थंबनेल की वजह से। जैसे किसी बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे किसी देश के बारे में बता रहे हैं, नेपाल एक ऐसा देश है, और थंबनेल में किसी गंदी लड़की की फ़ोटो डाल के कुछ और ही दिखा रहे हैं और वीडियो में कुछ और है। इस टाइप के जितने भी चैनल हैं अभी हाल ही में बंद हुए हैं, उनके वीडियोज़ पर एड्स नहीं आ रही हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। तो जितने भी नए क्रिएटर हैं आप अभी जाके सारी वीडियोस पर चेक कीजिए आपने जो थंबनेल यूज़ किया है वो आपके वीडियो से रिलेटेड हो। अगर आप फेस कैम वीडियो बना रहे हैं तो अपने फेस का ही थंबनेल में यूज़ कीजिए। जितने भी वीडियो में आपने बातें की हैं उसका एक मेन चीज़ टारगेट करके ही थंबनेल बनाइए। जो आप टाइटल है, जो आपका कंटेंट है, उसके बारे में ही थंबनेल बनाइए। मिसलीडिंग थंबनेल ना यूज़ कीजिए, ना ही एडल्ट थंबनेल यूज़ कीजिए, मतलब व्यूज़ पाने के लिए आप कुछ भी थंबनेल यूज़ कर ले रहे हैं। तो अभी जाके चेक करके आप चेंज कर दीजिए, फिर उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजिए, नहीं तो आपका चैनल आपका मेहनत बर्बाद हो। जब आपका मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं होता 30 डेज़ के लिए फिर पेंडिंग डाल देगा, फिर आप 30 दिन बाद अप्लाई करेंगे, फिर चेक होगा, फिर टाइम लगेगा। इसीलिए आप अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो सारे जो वीडियोज़ हैं मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में आप सारा ख़त्म कर लेंगे। भले आप 2 दिन बाद अप्लाई कीजिए लेकिन आप पहले अपने सारी वीडियोज़ के थंबनेल चेक कर लीजिए। अब दोस्तों दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से सबका वीडियो मोनेटाइज नहीं हो रहा है वो ये है। एग्जांपल के जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ऊपर, अब इसमें मैं टैग्स में यूज़ करूँगा, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा अमित भदाना, बीबी की वाइंस, जो कि मेरी वीडियो से रिलेटेड ही नहीं है। मैं एक तरह से उनका मिसयूज़ कर रहा हूँ, मिसगाइड कर रहा हूँ, उनके टैग्स को यूज़ करके ट्रैफिक लाने के लिए। यूट्यूब इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो टैग्स है ये मैंने वीडियो में बोला ही नहीं है, इस टॉपिक पे बात ही नहीं किया है, बस व्यूज़ पाने के लिए स्पैम कर रहा हूँ, तो वो मेरे वीडियोस को मैंने जो या तो ब्लॉक कर देगा या तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर देगा या फिर आपके चैनल पे स्ट्राइक लगा देगा। लेकिन अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, आप चैनल अंडर रिव्यू के लिए भेज रहे हैं तो आपके चैनल को अप्रूव ही नहीं करेगा। तो अभी भी दो काम आपको करना है, पहला काम अपने थंबनेल चेक कीजिए, दूसरा अगर आप गलती से टैग्स यूज़ किए हैं या डिस्क्रिप्शन में कुछ इस टाइप की जो टैग्स होते हैं स्पैम आप कर रहे हैं तो उसको जाके डिलीट कीजिए, उसको चेंज कीजिए। आप जो जो वीडियो में बोल रहे हैं वही टैग्स यूज़ कीजिए, जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है उसी टैग्स को यूज़ कीजिए, स्पैम या मिसलीडिंग टैग्स यूज़ ना कीजिए, आपका चैनल अप्रूव भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, रियल कंटेंट बना रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा चैनल अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ करके वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो जब भी आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो तुरंत आइए, आप पहले क्या कीजिए, जितनी भी वीडियोस हैं नीचे से स्टार्ट कीजिए, अपने वीडियोस के नीचे से 1 2 3 4 10 15 20 वीडियो 50 वीडियो एक दिन में 50 वीडियो टारगेट कर लीजिए। 500 वीडियो को आपको चेक करना है, सबका थंबनेल चेक करेंगे, थंबनेल सही है, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स इन तीनों को चेक कीजिए कि इनका जो टाइटल है डिस्क्रिप्शन और टैक्स है ये वीडियो से रिलेटेड ही है, कहीं मिसलीडिंग टैक्स तो नहीं है। तो अगर आपके सारी चीज़ें सही हैं पूरे चैनल की वीडियोस में फिर भेजिए उसको मोनेटाइजेशन के लिए, आपका चैनल अप्रूव हो जाएगा। 80% लेके या तो 70-80% लोग हैं जिनका चैनल अप्रूव ही नहीं हो रहा है बस इस गलती की वजह से, फिर वो बोल रहे हैं कि YouTube मेरा चैनल अप्रूव क्यों नहीं कर रहा है। तो ज़रा सा भी गलती मत कीजिए, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, YouTube आपका जो चैनल है अप्रूव कर देता है, लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जाके अभी चेक कीजिए अपनी वीडियोस पे और जाके सही कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी वीडियोस हैं मेरी जाके देखिए, और भी वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे मैंने बनाई हैं, आपको पसंद आएगी। ऐसे ही वीडियोस अपडेट पाने के लिए मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो में किसी बहुत बड़े टॉपिक के साथ, धन्यवाद।